Hi, I am Dr. Shashank Mahajan, Consultant Surgical Oncology at Amandeep Hospital, Cancer Wing। आज हम बात करने जा रहे हैं एक फास्टेस्ट ग्रोइंग कैंसर जो कि ब्रेस्ट कैंसर है, जो कि नाक की फास्टेस्ट ग्रोइंग है इंडिया में, जबकि नंबर 1 पे भी है। जबकि ये कैंसर मेल्स में भी होता है, सिर्फ फीमेल्स में नहीं होता है, 1-2% मेल्स में भी होता है, फिर भी ये नंबर 1 पे है आधी पॉपुलेशन होने के कारण भी। ये ब्रेस्ट कैंसर क्यों होता है, कि क्या एटियोलॉजी, इसके बारे में हम बात करेंगे। ब्रेस्ट कैंसर किसी खाने से या कोई किसी पदार्थ से नहीं होता है। ये ज्यादातर, अगर एक बात में बात करूं तो वेस्टर्नाइजेशन जो कल्चर आ गया है इंडिया में, उस करके वेस्टर्न कल्चर आने के करके ब्रेस्ट कैंसर की तादाद बढ़ गई है। पर सबसे ज्यादा जो मैं फोकस करना चाहता हूं इस ब्रेस्ट कंजर्वेशन सर्जरी, जो कि हमारे एरिया में अमृतसर में बहुत कम पाई जाती है, कि हमें एक दिमाग में डाल दिया गया है, जो कि लोकल यहाँ पे विलेजेस में लोग हैं कि नहीं, ब्रेस्ट निकालना डॉक्टर साहब बहुत जरूरी है, ब्रेस्ट आप निकाल दीजिए। मुझे कन्विंस उल्टा करना पड़ता है कि आप ब्रेस्ट बचा सकते हैं। एक ब्रेस्ट बचाना फीमेल के लिए सोशली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज भी है। जहाँ पे इंडिकेटेड है, आई वुड एडवाइज कि हम ब्रेस्ट बचा के सर्जरी करें। और अगर कारणवश हमें ब्रेस्ट निकालना भी पड़ता है, देयर आर सेवरल टेक्निक्स लाइक प्लास्टिक सर्जरी, वी कैन मेक अप द ब्रेस्ट एज गुड एज द अदर वन। एंड ब्रेस्ट निकालने के और नुकसान क्या है कि उसमें आपका पोस्चरल इश्यूज आते हैं, आपकी मूवमेंट इश्यूज आते हैं। तो इफ पॉसिबल, आई वुड एडवाइज दैट वी शुड गो विद ब्रेस्ट कंजर्वेशन सर्जरी, और अवेयरनेस हम ज्यादा से ज्यादा करें। थैंक यू।